आरा विधायक से पार्षदों के समर्थन में दिया धरना, बोले जनप्रतिनिधियों के साथ अन्याय। स्थानीय विधायक एवं पार्षद के प्रतिनिधियों ने राशन का मुद्दा उठाया। एक तरफ गोला मोहल्ला के पास वार्ड पार्षद अमित कुमार बंटी धरना दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अन्य वार्डों के वार्ड पार्षद नगर निगम के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे। जी हां, नगर निगम के मुख्य द्वार एवं गोला मोहल्ला के पास वार्ड पार्षद समस्याओं के निदान के लिए धरना दे रहे थे। यहां भी पूजा राशन को लेकर जुड़ा हुआ है। सिर्फ वार्ड पार्षद ही नहीं बल्कि विधायक अनवर आलम भी धरना दे रहे थे, वार्ड पार्षदों का साथ दे रहे थे। रेखा जैन के प्रतिनिधि, विभू जैन वार्ड 10 के पार्षद प्रतिनिधि, भीमलाल वार्ड नंबर 26 के प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लाम सहित कई लोग वहां उपस्थित थे, जिन्होंने राशन का मुद्दा जोर शोर से उठाया। एक तरह से पार्षदों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की जा रही थी। विपक्षी विधायक अनवर आलम आरा शहर के विधायक भी हैं, उन्होंने पार्षदों का साथ दिया और बोले कि पार्षद निचले तबके के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी अधिकारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसे में जनता की गालियां जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, जबकि इसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, तो स्वाभाविक है जनता को सच बताने के लिए पार्षद कोई ना कोई कदम उठाएंगे। इधर पार्षदों का कहना है कि हमारे मुद्दे सही है, गलत तरीके से सरकार ने हमें बांधने की कोशिश की है। आइए पहले विधायक की बात सुना रहे। कोई भी पंचायत से लेकर किसी नीचे ऊंचाई के जन प्रतिनिधि अगर उनकी बातों को जो है पदाधिकारी जो है सुना करेंगे, उनकी बातों को जो है नज़रअंदाज करेंगे, और जन प्रतिनिधि जो चुना हुआ जन प्रतिनिधि को जो है अपने जनता के बीच में शर्मिंदगी महसूस करना पड़े, वहाँ बेइज्जत होना पड़े, तो निश्चित रूप से मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके समर्थन में जरूर खड़ा होने का काम करूंगा, उसी कड़ी में मैं। तो आपने विधायक अनवर आलम की बातों को सुना, किस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा और पार्षदों का समर्थन किया। आरा नगर निगम के गेट पर धरना के दौरान उन्होंने इस तरह की बातें कही, आप जरा पार्षद प्रतिनिधि भीमलाल की बातों को सुन लीजिए। कल मतलब दो दिन से मेरे वार्ड में राशन वितरण हो रहा है, इनका राशन कार्ड है। 18 में जो नया कार्ड आवेदन बना था 50 कार्ड से, उनका एक भी आवंटन लोग नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कार्डधारी जब राशन कार्ड लेके जा रहे हैं, अपना कार्ड दिखा रहे हैं, कंट्रोल वाले का नाम बता रहा है फलाना कंट्रोल वाले, वो सीधा बोल रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा अनाज, आप अपने घर जाइए। आखिर उनका अनाज क्यों नहीं मिलेगा, आखिर क्या रीजन है? बोल रहे हैं कि मशीन में ये नहीं बता रहे हैं, मशीन ये सुविधा वार्ड पार्षद कराएंगे, ये सरकार का काम है, सरकार कराएगी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आरा नगर निगम से फार्म भरवाया गया, जीविका दीदी लोग गई अपने मन से, 380 फार्म मेरे वार्ड से फिलअप किया गया, ये लोग सर्वे करती किनका बनाना बनना चाहिए किनका नहीं बनना चाहिए, वो जाकर बताती कि किनका बनेगा किनका नहीं बनेगा। हम जनता को क्या जवाब दे, जनता हम लोग के दरवाजे पे आती है, 380 में 70 फार्म आ गए, 70 फार्म आए, उसके बाद पूरी जनता के हम लोग को दरवाजे पे गाली गलौज कर रही है कि आप लोग जानबूझ के ऐसा कर दिए, आप लोगों ने ऐसा कर दिया। जब हम लोगों को राशन कार्ड से वंचित रखा जा रहा है कि वार्ड पार्षद से कुछ पूछना नहीं है, तो फिर वो क्यों जाती है वार्ड में, फिर कैसा सर्वे करती है कि जो गरीब है आज भी लाचार है। मेरे मोहल्ले में अल्पसंख्यक हमारे मुसलमान भाई लोग 350 हैं, कुछ लोगों का कार्ड बना है जिसमें 75% लोगों का कार्ड नहीं बना है। हमारे भीमलाल ने क्या कुछ कहा, उनका भी वही बात है कि शिकायत करने पर भी उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। अब जरा हम आपको दूसरे पार्षद प्रतिनिधि विभू जैन की बात सुना रहे हैं, सुन लीजिए उनका क्या कहना है। जनहित के मुद्दा पे बैठे हैं क्योंकि हम लोग के लिए जनहित सर्वोपरि है, क्योंकि हम लोग का मालिक जनता होता है, हम लोग सेवक हैं, सेवक के तौर पे कार्य करना जानते हैं। और हमारी वार्ड की जनता और आरा नगर निगम की जनता बहुत ही त्रस्त है राशन कार्ड पे। सरकार कह रही है कि राशन कार्ड धारियों को अनाज मिलना चाहिए, सही बात है मिलना चाहिए, लेकिन वैसी जनता क्या करे जिनका राशन कार्ड नॉट एग्जिट और डिलीट कर दिया गया है, इसका जिम्मेवार कौन है? और बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अनाज कैसे मिलेगा? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ कुर्सी कुमार के नाम से जाना जो जाता है सच्चाई है, क्योंकि ये जो जन आक्रोश दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसका माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें कि जन आक्रोश को कंट्रोल करें। और जो पीला कार्ड पर भी जनता को राशन नहीं मिला, जिसको अंत्योदय भी कहते हैं, और अभी एक आपको और उजागर करने जा रहे हैं, 2018 में मेरे सामने आया मेरी वार्ड की। अब जरा पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद इस्लाम की बातों को सुने, उनका क्या कहना है।
यहाँ पर हम बैठे हुए जनता का कोई सुनने वाला नहीं। वार्ड नंबर 26 में हम कह के थक गए कि देखिए गरीब जनता मेरा मर रहा है, जिसका कार्ड बनाइएगा, कार्ड वगैरह जमा किया है, घर पे आ रहा है, रोज पूछ रहा है कि आज बना कल बना, कार्ड बन गया इस्लाम जी हेना कौशल जी। तो हम कहते कहते थक गए, लेकिन हमारा कोई नहीं सुन रहा है। हम बहुत साथ दे चुके हैं आवेदन, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। तो हम किसके पास जाएं? लास्ट में मजबूरन हमको लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो इसीलिए हम बैठ गए। अगर इसका नहीं सुनवाई करेंगे तो इसके बाद आगे प्रक्रिया क्या है आगे का देखा जाए। लेकिन जो गरीब जनता मर रहा है भूख से, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 1,000 रुपया देंगे हर व्यक्ति को, बिना कार्ड वाले को आधार कार्ड पे हम राशन देंगे, अभी तक उनका घोषणा झूठा समझे, अभी तक की झूठा घोषणा किए हैं। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि कब तक झूठा का चलेगा घोषणा आपका? आज होगा कल होगा, 9 दिन में बोले जी का दीदी वाला कि 9 दिन में कार्ड तैयार हो जाएगा, 1,000 रुपया अकाउंट में चला जाएगा। हम सारा चेक करा लिए, हमको लगता है कि 5% भी नहीं दिया उसमें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इस्लाम उल सलाम, वार्ड नंबर 26, पार्षद प्रतिनिधि हेना कौशल।